सेंट्रल कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 24, आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड पढ़ना है। पोलर प्लेन आप पढ़ चुके हैं, स्फीयर में भी कंजुगेट पॉइंट्स, पोलर लाइंस, पोलर प्लेन्स, स्फीयर चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। स्फेयर गणितपुर टाइप करके सर्च करिए, पूरा चैप्टर खुल जाएगा, यानी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखा जाए। पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल कोनिकॉइड, सेंट्रल कोनिकॉइड के नाम पर हम एलिप्सॉइड प्रायः बना देते हैं, समझने में आसानी रहती है। पॉइंट ए दिया हुआ है, इसका पोलर प्लेन निकालना है इस कोनिकॉइड के रिस्पेक्ट में। यहां से एक लाइन खींचा हमने जो कोनिकॉइड से दो पॉइंट्स पर मीट करता है, मिलता है। माना कि ये दो पॉइंट्स पी और क्यू है, लिखते भी चलते हैं। लेट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए मीट अ सेंट्रल कोनिकॉइड इन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब ए से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ए पी ए क्यू। तो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो जो डिस्टेंस का मेजरमेंट आएगा वो एक नंबर होगा। AP एक नंबर है, AQ एक नंबर है। इन दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन, समझ रहे हैं ना, हार्मोनिक मीन आप पढ़े हुए। लेट कैपिटल R बी अ पॉइंट ऑन द लाइन APQ सच दैट ए आर इज द हार्मोनिक मीन, इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द नंबर्स ए पी एंड ए क्यू। ऑफ ए पी एंड ए क्यू भी लिख सकते हैं आप, हार्मोनिक मीन ऑफ ए पी एंड ए क्यू, सो दैट टू अपॉन ए आर इक्वल्स टू वन अपॉन ए पी प्लस वन अपॉन ए क्यू, दैट इज, देखो अलग से समझ लो, टू अपॉन ए आर बराबर हो जाएगा ए पी प्लस ए क्यू अपॉन ए पी इंटू ए क्यू। उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए आर हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू, फुल स्टॉप। ये रिजल्ट हमने यूज किया इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। इफ एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये नंबर है सब, ए भी नंबर है, बी नंबर है, ए एच कंफ्यूजन हो रहा है, चलो स्मॉल लेटर में कर दे रहे हैं, ये लो अब ठीक है। देन टू अपॉन एच बराबर होता है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, यानी कि एच बराबर होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी के बीच का जो हार्मोनिक मीन है वो इस फार्मूले द्वारा दिया जाता है। तो ए पी क्यू लाइन पर एक ऐसा पॉइंट हमने चूज किया जिसके लिए
ए आर ए पी और ए क्यू का हार्मोनिक मीन है, फिर आर का हमने लोकस निकाला तो पाया कि एक प्लेन है वो। देन द लोकस ऑफ आर इज अ प्लेन कॉल्ड द पोलर प्लेन, कॉल्ड द पोलर प्लेन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल कोनिकॉइड, सेंट्रल कोनिकॉइड कम एंड ए इट्सेल्फ इज कॉल्ड द पोल ऑफ द प्लेन। जो प्लेन आया है लोकस के नाम पर उसका पोल होगा ए, यही डेफिनेशन है बेटा। अब इसका इक्वेशन चलो निकाला जाए, लेकिन उसके पहले एक दो डेफिनेशन लिख लें कंजुगेट प्लेन्स का और कंजुगेट पॉइंट्स का। कंजुगेट प्लेन्स टू प्लेन्स आर कॉल्ड कंजुगेट प्लेन्स with respect to a central conicoid if each contains the pole of the other। if each passes through the pole of the other, yahi to matlab hua। If each contains the pole of the other, एक प्लेन दूसरे प्लेन के पोल को कंटेन करे, मतलब एक प्लेन दूसरे प्लेन के पोल से होकर जाए, conjugate points two points are called conjugate points with respect to a central conicoid if polar plane of each point, if polar plane of each point passes through the other, passes through the other, yahan milaiye zara, two planes are called conjugate planes, conjugate planes with respect to a central conicoid if each contains the pole of the other। दो planes हैं वहां दो poles हैं, वो दोनों poles conjugate points होंगे। two points are called conjugate points with respect to a central conicoid if polar plane of each point passes through the other। यानी अगर दो points capital A और capital B ले लें तो if polar plane of A passes through B and polar plane of B passes through A, ऐसा है। ऐसे polar lines भी होती हैं लेकिन उसकी चर्चा हम आगे के videos में करेंगे।
यहाँ पर आपको हम सलाह देंगे कंजुगेट पॉइंट्स और पोलर प्लेन पढ़ने के लिए। आप इसी समय इस वीडियो को भी देख लें, वॉच वीडियो नंबर 22 ऑफ द प्लेलिस्ट। स्फेयर गणितपुर जरूर लिखा करिए। कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी वीडियो सर्च करना है तो आप टाइटल लिख करके बगल में गणितपुर लिखिए, फिर सर्च करिए तो हमारा वीडियो खुल जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर पॉइंट ऑफ ए पॉइंट पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन कोनिकॉइड सेंट्रल कोनिकॉइड। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन। गिवन सेंट्रल कोनिकॉइड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन। नंबर वन, जो डेफिनेशन आप लिखे थे उसी के हिसाब से धीरे धीरे काम करते चलिए। पॉइंट ए के लिए डेफिनेशन लिखे थे, पॉइंट ए के पोलर प्लेन के लिए तो आपने लिखा था कि लेट एनी लेट ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए मीट द सेंट्रल कोनिकॉइड इन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। एक्स वन वाई वन जेड वन से होकर जाने वाली किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखिए, आर्बिट्रेरी लाइन, एनी लाइन थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल्स टू स्मॉल आर। नंबर टू, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन। ये लिखते रहना चाहिए, चाहे इस कॉन्सेप्ट का, आर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सोल्यूशन में हो चाहे ना हो, ताकि ये भूलने ना पाए। आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में इसकी कितना सिग्निफिकेंस, कितना इंपॉर्टेंस है। हमें इस लाइन को इससे मीट कराना है, तो इसका तरीका क्या है, इस पर आप जनरल पॉइंट लीजिए, इस पर रख दीजिए। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर जेड वन प्लस एन आर फुल स्टॉप। पुटिंग इट इन वन वी गेट कैपिटल ए इंटू एक्स वन प्लस एल आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इंटू वाई वन प्लस एम आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल सी इंटू जेड वन प्लस एन आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये क्वेश्चन देखो, देखने से लग रहा है ना ये क्वाड्रेटिक इन आर है, तो क्वाड्रेटिक इन आर जैसा इसको बनाइए। इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर के कोफिशियंट ढूंढिए, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर
ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू आर, ये ढूंढिए। ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन प्लस आर फ्री, आर से मुक्त पद खोजिए। ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो वन को भी इधर कर दो, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। नंबर थ्री, इट इज क्वाड्रेटिक इन आर कॉमा गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर, गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर एंड सो गिविंग टू कॉमन पॉइंट्स। देखो इस पॉइंट को तुमने इस पर रख दिया है तो आर की वैल्यूज आ जाएगा, दो वैल्यूज आ जा रही है, तो आर के दोनों वैल्यूज को इसमें रखेंगे तो ऐसे ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, और दोनों पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे, इस पर भी है इस पर भी, माने कॉमन पॉइंट्स हैं। एंड सो गिविंग टू कॉमन पॉइंट्स से P एंड Q, सो दैट, देखो R के दो मान आएंगे ना, बहुत फिर R का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, R के दो मान आएंगे, दो वैल्यूज। R क्या चीज़ है, जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड की दूरी है फिक्स्ड पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन से, फिक्स्ड पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको कैपिटल A कह दिया जाए, नहीं तो बार बार इसको लिखने में अच्छा नहीं लगे, ए ये इस पॉइंट को हमने कैपिटल ए कह दिया। तो देखो जब इस इक्वेशन किसी इक्वेशन को सॉल्व करें हम, तो जो एक्स वाई जेड आएगा, जो एक्स वाई जेड आएगा वही तो कॉमन पॉइंट होगा ना, तो जो कॉमन पॉइंट आएगा उसकी एक्स वन वाई वन जेड वन से दूरी, भाई जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड निकलता है ना, तो एक्स वाई जेड निकलने का मतलब जनरल पॉइंट निकला, जनरल पॉइंट निकला और दो सेट निकलेगा, यानी आर के दो वैल्यूज आएंगे, यानी कि जो दो पॉइंट्स आएंगे उनकी दूरी एक्स वन वाई वन जेड वन से, आर के दो वैल्यूज होंगे मान लो आर वन और आर टू, तो सो दैट ए से पी की दूरी यानी आर की वैल्यू आर वन और ए से क्यू की दूरी आर की दूसरी वैल्यू आर टू हमने मान लिया ऐसा। दस जब आप इसके रूट्स मान लिए दो, कहाँ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, आर वन प्लस आर टू बराबर क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस टू ब्रैकेट में ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन अपॉन ए माने आर स्क्वायर का कोफिशियंट, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर एंड आर वन डॉट आर टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए दिस बाई दिस, यानी कि ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दें तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ए पी और ए क्यू का हार्मोनिक मीन हमें प्रोड्यूस करना है, आर वन आर टू का हार्मोनिक मीन टू आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू होगा, तो टू आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू लिखिए, इम्प्लाइज दैट टू आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस
सी जेड वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन दिस माइनस टू इंटू ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी जेड सी एन जेड वन, टू टू कैंसिल कर दें, इम्प्लाइज दैट ट्वाइस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर अपॉन ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन। अगेन अब लाइन ए पी क्यू, लाइन ए पी क्यू माने वही लाइन जिसको नंबर टू डाले थे आप, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल्स टू आर, यही था ना लाइन, यही था वो लाइन जो ए से खींचा गया है और सेंट्रल कोनिकॉइड को पी और क्यू पर मिलता है। इस पर एक ऐसा पॉइंट हम लेने जा रहे हैं आर के नाम पर, ताकि ए आर, ए आर माने फिर वही फिक्स्ड पॉइंट से दूरी, माने आर की वैल्यू टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू के बराबर हो। अगेन पुनः एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू, एनी पॉइंट ऑन ए पी क्यू दैट इज ऑन टू इज, फिर वही लिखिए एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर जेड वन प्लस एन आर, ऐसा माना यही कैपिटल आर है। लेट इट बी कैपिटल आर सच दैट ए आर इज इक्वल टू टू ए पी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू दैट इज थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे या चलने दो ऐसे ही चलने दो, दैट इज ए आर की जगह क्या रख दें हम, ये जो आर है स्मॉल आर इक्वल्स टू टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, इम्प्लाइज दैट टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू की वैल्यू इसमें रख दें। R इज इक्वल टू कहाँ है वैल्यू, ये माइनस ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर, इसमें कुछ छूट रहा है भाई, माइनस वन भी था देखो अभी ध्यान आ रहा है ना, ये माइनस वन अपॉन ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इन तीनों में आर से मल्टीप्लाई करना है, इंप्लाइज दैट ए एल एक्स वन आर प्लस बी एम वाई वन आर प्लस सी एन जेड वन आर इक्वल्स टू, न लिख के उसको इधर कर दे तो जाएगा प्लस ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस
सी जेड वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन लिख दें, माइनस वन को उधर कर दिए। नंबरिंग मुझे याद नहीं, शायद नंबर तीन तक हम लोग डाल चुके हैं, इसको नंबर फोर डाला जाए, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है भाई, वन टू थ्री फोर। ठीक, इंप्लाइज दैट ए एक्स वन इंटू, इसको इसको एक साथ लिया, बचेगा एक्स वन प्लस एल आर। इसी प्रकार से इसको इसको एक साथ लिया जाए, प्लस बी वाई वन इंटू वाई वन प्लस एम आर, और जो बच गया उनका जोड़ा एक साथ, प्लस सी जेड वन इंटू जेड वन प्लस एन आर इक्वल्स टू वन। ये देखिए, इंप्लाइज दैट ए एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस एल आर क्या था, एनी पॉइंट, अंडरलाइन कर लो इसको, इसे अंडरलाइन कर लो और इसको बॉक्स में बंद कर लो। ये लाइन पर स्थित एनी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट बने एक्स वाई जेड। ये जो एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर जेड वन प्लस एन आर आया है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज ही तो आया है। अरे भाई, एक्स माइनस एक्स वन अपान एल इक्वल्स टू आर लिखा है, तो एक्स बराबर कितना होगा, एल आर प्लस एक्स वन, तो वही यहाँ लिख दो, इंटू एक्स प्लस बी वाई वन इंटू वाई प्लस सी जेड वन इंटू जेड इक्वल्स टू वन, यहाँ चाहो तो लिख दो बाई टू। यही है इक्वेशन पोलर प्लेन का। तो लास्ट में फिनिश करें इसको, इसे फिनिशिंग सेंटेंस लिखते हुए, हेंस द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, थोड़ा देखो, ए दो जगह हम ले लिए हैं, एक तो इक्वेशन नंबर वन में ए बी सी ले लिए हैं, कैपिटल ए वहां पे है, फिर पॉइंट के नाम पर भी हम ए ही लिख दिए गलती से, ना ये नहीं लिखना चाहिए था, कुछ और लिखना चाहिए था, या इक्वेशन आप कोनिकॉइड में इस्तेमाल ए बी सी कर देना था। चलो फिलहाल सब चीज़ समझ रहे हो तुम। हेंस द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन इज ए एक्स वन एक्स प्लस बी वाई वन वाई प्लस सी जेड वन जेड इक्वल्स टू वन। क्या हुआ इसको लिखने में, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया हमने एक्स वन एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया वाई वन वाई से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस किया जेड वन जेड से। अगर हम ये कहें कि सेंट्रल कोनिकॉइड के ऊपर स्थित इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो आप यही लिखोगे। इस फेयर चैप्टर में इन सब बातों की चर्चा बहुत बढ़िया तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग कर चुके हैं, कि इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन वो एक ही नहीं होते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझते हैं बस करें, नहीं तो वीडियो साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, और अब एग्जाम्पल्स लेके हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।